वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आईएएस कोड यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। हमने इस टॉपिक को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस या कभी कभी एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। उनको हमने इस टेबल की हेल्प से क्या क्या सब जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने क्या क्या इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए और इन सारे नोट्स कोर्स को अच्छे से अपने उसमें क्या कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रिलेटेड हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए वो कौन कौन से कोर्स हैं, हमने यहाँ पे सारे कोर्स को यूज़ नहीं किया है, नहीं हमने नोट किया है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आते रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सर कौन कौन से कोड हमको याद करने हैं, कौन कौन से कोड हमको पता रहने चाहिए। तो वो मैक्सिमम हमने मतलब कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। ओके, तो देखते हैं वो कौन कौन से हमारे पास कोड है। फर्स्ट हमारे पास जो कोड है वो है हमारे पास जो पहला पहला कोड है IS875। तो ये हम लोग कोड कहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम लोग RCC का डिज़ाइन करेंगे, जब RCC स्टडी करेंगे हम लोग RCC में, ठीक है जी, RCC में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमारे को लोड्स का पता करना पड़ता है कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, लोड वर्क करते हैं, कि डेड लोड कितना होना चाहिए, लाइव लोड कितना होना चाहिए, विंड लोड कितना होना चाहिए, स्नो लोड कितना होना चाहिए, और अर्थक्वेक को छोड़ करके जो लोड्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से लोड्स यहाँ पे होने चाहिए। तो उन सारे कोड्स को हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। तो पहला जो हमारे पास कोड है वो है हमारे पास IS875 पार्ट 1 1987। अब जो ये 1987 है ये है ईयर, किस ईयर में ये कोड आया था ये उस चीज़ को बताता है, ठीक है। पर जो IS875 है ये हमारे पास क्या कोड है, कोड का नंबर है। तो पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, डेड लोड यूनिट वेट्स ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल एंड जो हमारे पास क्या स्टोरेज को हमने क्या किया यहाँ पे कवर किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट में। सेकंड हमारे पास जो कोड है वो है IS875 पार्ट 2। तो ये हमारे पास है 1987 पार्ट 2, इम्पोज्ड लोड को क्या कर रहा है, बता रहा है, किसको बता रहा है, इम्पोज्ड लोड को बता रहा है, ये सेकंड वर्जन इसका। थर्ड है हमारे पास IS875 पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास कौन सा आता है, विंड लोड आता है, यहाँ पे कौन सा लोड है हमारे पास, यहाँ पे विंड लोड को बता रहा है, ठीक है, विंड लोड को बता रहा है। चौथा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे IS875 पार्ट 4 1987। तो यहाँ पे स्नो लोड्स, ध्यान से देखना। अब स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो हमारे इसी जगह पे होता है कि पार्ट 3 में और पार्ट 4 में कौन से लोड को कंसीडर करना पड़ता है। कभी भी स्टूडेंट इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है पार्ट 3 पार्ट 4 में। तो आपने ध्यान देना है कि विंड लोड जो है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि IS875 पार्ट 3 किसको, कौन से लोड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो विंड लोड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये आपके लिए थोड़ा सा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसके कितने पार्ट्स हैं, अब ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो 875 इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके 5 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5। अच्छा, पहले में जो हमारे पास कौन सा था, इसमें हमारे पास था डेड लोड, ओके, इसमें हमारे पास था डेड लोड, ठीक है, इसमें था हमारे पास डेड लोड है। डेड लोड कौन सा लोड होता है, ध्यान देना, डेड लोड वो लोड होता है जैसे कि हम लोगों को स्लैब में फाइंड करना होता है कि जैसे ऐसे समझिए आप, जैसे आप जब कभी क्या करते हैं, बीम को डिज़ाइन करते हैं, तो बीम को डिज़ाइन करते टाइम हमारे को टोटल लोड लेना पड़ता है। जो टोटल लोड होता है वो किसके इक्वल होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे फैक्टर भी लेके चलते हैं, 1.5 में W ये कौन सा, सॉरी इसको हम लोग लिखेंगे डेड लोड प्लस क्या होता है, लाइव लोड, जनरली इन्हीं को कंसिडर करते हैं हम लोग, विंड को स्नो को कंसिडर नहीं करते। तो ये डेड लोड कहाँ से आता है, ये डेड लोड बाय हेल्प ऑफ दिस कोड से पता चलता है। जो लाइव लोड है वो कहाँ से पता चलता है, बाय हेल्प ऑफ दिस कोड पता चलता है। तो इस तरीके से हमारे को पता चलता है टोटल लोड की हम वैल्यू फाइन करते हैं। अगर विंड लोड को पता करना है, स्नो लोड को पता करना है, तो यहाँ से पता चलेगा। अब जो IS875 है पार्ट 5 क्या क्या कहता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन कोर्स अदर देन अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक को कंसिडर नहीं करना है, डेड लोड को कंसिडर नहीं करना है, लाइव लोड को कंसिडर नहीं करना है, विंड लोड को नहीं करना है, और ये हमारे पास क्या है, स्नो लोड को कंसिडर नहीं करना है। तो करना किसको है, तो आपने देखा होगा टेम्परेचर स्ट्रेसेस आते हैं, श्रिंकेज होता है, क्रीप होता है, इन सब को कंसिडर करने के लिए जो कोड हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारे पास कौन सा कोड होता है, वो होता है कोड IS875 पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कोड है ये भी हमारे पास काफ़ी एग्जाम में आया है। जब मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि अगर आपको SSC में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है तो आपको IES के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स के IES के क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन, जिनका वन स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है, जैसे चार ऑप्शन होंगे उनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट होता है, वो क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। उसको अगर एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत मतलब चांसेज और जो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ना वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जब आप वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो
वहाँ पे आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस कि ये किस एग्ज़ाम में, मतलब ये कोड किसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर अर्थक्वेक के लिए कौन सा कोड हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास है IS 8 1893, ओके 1984, ये क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ध्यान देना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं। अब अर्थक्वेक के बेसिस पे इंडिया को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले 5 पार्ट्स थे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। अब क्या है, वहाँ पे जो फर्स्ट एंड जो सेकंड है उन दोनों को क्या करके मर्ज कर दिया गया है, थर्ड थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और लास्ट कौन सा है, फिफ्थ है, 1 2 3 4। तो ये भी ध्यान देना कि जो हमारे पास क्या अर्थक्वेक के बेसिस पर हमारे इंडिया को कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में अब डिवाइड किया गया, पहले 5 पार्ट्स में था, 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड अलग अलग थे। नेक्स्ट कोड है हमारे पास IS 875, आप ध्यान देना, इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, स्टील में पढ़ते हैं, स्टील की डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा होता है, LSM के ऊपर दे रखा है। अब इसके दो कोड हैं, ध्यान देना, एक तो हमारे पास है IS 800 2007, दूसरा कोड है IS 800 1984। कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों तो स्टील के कोड हैं, यस दोनों स्टील का कोड है, ये भी स्टील का कोड है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस पे, WSM पे वर्क करता है, ठीक है ना, WSM पे वर्क करता है। अब इसमें जो जैसे आता है ना कोडल प्रोविजन, एज पर दिस IS कोड इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे रिवेट डायमीटर है या बोल्ट डायमीटर है, या फिर हमारे को वेल्ड लेंथ है कितना लेना है हमारे को, ठीक है ना। तो ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कोड होगा, तो अभी जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना देखने को, वो सब किस पे बेस्ड हैं, IS 800 2007 पे बेस्ड हैं। अगर आप पहले बात करते 2007 से पहले, तो वो सारा किस पे बेस्ड होता था, IS 800 1984 पे होता था। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो ये WSM पे बेस्ड होता है या फिर LSM पे बेस्ड होता है, तो आपने ध्यान देना ये किस पे बेस्ड है, LSM पे बेस्ड है। तो यहाँ पे कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील थर्ड वर्जन है, और ये हमारे पास क्या है, IS 800 1984 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील होता है। जब आप स्टडी करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि एज पर दिस कोड कौन कौन सा होता है। नेक्स्ट हमारे पास IS कोड IS 456 2000, वेरी वेरी पॉपुलर कोड है ये, ठीक है ना। आपको इसको भी किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको हम लोग RCC एंड RCC डिज़ाइन में हम लोग इसी कोड को स्टडी करते हैं, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं होता है। अब दूसरा एक और कोड है हमारे पास, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो है हमारे पास ये वाला IS 456 1978, ये किस पे बेस्ड है, ये WSM मेथड पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है हमारे पास, ये LSM पे बेस्ड है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने काफ़ी बार उसको देखा भी होगा जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे प्रीवियस ईयर्स के, वो पूछता है कि EC का जो वैल्यू होता है एज पर इन दोनों कोड में से एक ही क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है, वो कौन सा है, EC। जब आप EC का मतलब क्या है, EC का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर विच कोड, IS 456 2000 या फिर IS 456 1978। अगर एग्जाम में आता है IS 456 2000, तो इसका वैल्यू होता है हमारे पास कितना, 5000 अंडर रूट किसके होता है, FCK के होता है। व्हाट इज़ द FCK, FCK इज द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो हमारे को 20 डेज के बाद किसी भी कंक्रीट का मिलता है। जबकि इसके अकॉर्डिंग जब आपको फाइंड करने के लिए आता है एज पर IS 456 1978, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, पूरी RCC में आपको यही एक मिलेगा, जब और कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, जनरली हमको एक ही क्वेश्चन मिलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456 1978 कितना होता है, तो ये वैल्यू होती है हमारे पास 5700 अंडर रूट किसके होता है, FCK के इक्वल होता है। सेम FCK यहाँ पे भी वही करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी कितना होता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि FCK का वैल्यू, जैसे हमारे कुछ दे जाए M25 के लिए, बताइए कि EC का वैल्यू क्या होगा, तो आप सबको पता है 5000 अंडर रूट किसके है, अंडर रूट 25, तो फाइनल कितना आ गया 25, और ये कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन पर mm² के इक्वल होता है। तो सेम अगर यहाँ पे होगा, तो यही क्वेश्चन आता है, वहाँ पे वैल्यू भी नहीं फाइंड करने के लिए पूछा गया, इसलिए हमारे को छोटी छोटी चीज़ों को क्या करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करके रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास IS 4457 1957, ये किस कोड को बताता है, तो देखते हैं हम लोग ये किसको बताता है, ये बता रहा है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट फोर, किसके लिए, डैम के लिए, ध्यान देना किसमें है ये, डैम एंड अदर मैसिव स्ट्रक्चर। ये मैसिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, मैसिव स्ट्रक्चर्स। डैम में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टील की सॉरी कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास IS 3431 3432012, तो ये है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेकंड वर्जन के लिए। अगर आपको ये है हमारे पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा प्री टेंशन है या पोस्ट टेंशन वाला जो होता है, उसके केस में हम लोग प्री स्ट्रेस, ठीक है ना, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं।
प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास अगर देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ध्यान देना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये किसके लिए, ये दोनों किसके लिए, ध्यान देना ये दोनों हमारे पास स्टील के लिए, ये दोनों किसके लिए स्टील के लिए, और IS-4562000 और IS-4561 जो 1978 है, अगर हम लोग इन दोनों कोड की बात करते हैं, इन दोनों कोड की बात करते हैं तो ये किसको बताता है, ये बताता है हमारे को RCC के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बता रहा है, ये हमारे को बता रहा है डैम एंड एंड किसके बारे में, मैसिव कॉन्क्रीट जो है, ठीक है ना, मैसिव कॉन्क्रीट के बारे में बताता है, मैसिव कंक्रीट के बारे में बताता है। ये वाला हमारे पास किसके बारे में बता रहा है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के बारे में बता रहा है। ये वाला किसके में, WSM में सेम है। नेक्स्ट हमारे पास IS-4561020SP 23-2009, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये है कोड्स फॉर डिजाइन ऑफ द कंक्रीट मिक्स। देखिए आप जब कंक्रीट पढ़ेंगे तो कंक्रीट का जो डिजाइन होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है डिजाइन मिक्स, ठीक है ना। नॉमिनल मिक्स है एक तो हमारे पास, ठीक है ना, नॉमिनल मिक्स है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, एंड सेकंड जो है वो है हमारे पास डिजाइन, डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स कौन सी कंक्रीट के लिए करते हैं, जो हमारे पास M20 से क्या होती है, मोर देन M20 होती है, जनरली हम लोग M50 तक क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को अगर M20 M40 का डिज़ाइन करना है, M30 का डिज़ाइन करना है, M25 का डिज़ाइन करना है, तो बाय हेल्प ऑफ विच कोड, तो वहाँ पे ध्यान देना वो हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं इसको IS और कौन सा हमारे पास 4, यह है हमारे पास 1062 और 2009। अब आप कहेंगे सर ये और क्या दे रखा है, यहाँ पे IS-4562 भी दे रखा है, तो हमारे को कुछ कुछ जैसे डाटा लेना होता है ना उसके लिए हमने यूज़ कर रखा है। ऐसे ये टेबल है हमारे पास स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रैक्टिस टेबल जो हमारे पास है, ये 23-2009 में हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है ये हमारे पास आ गया IS, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बहुत सारे कोड के मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फॉर कोल्ड वर्क HYSD स्टील रिवार के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे को यहाँ पे दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या है Fe-415 और 500 के लिए हमने यूज़ करना है, तो वो कौन सा कोड है, IS-1786 कोड का यूज़ करते हैं, किसके लिए Fe-415 एंड Fe कौन सा हमारे पास 500 है। ये आप कहाँ पे पढ़ेंगे सर, ये क्या है, ये हम लोग स्टील में पढ़ते हैं, स्टील में हम लोग कितना तरह का, सॉरी सॉरी, ये हम लोग RCC में स्टडी करेंगे। RCC में हमने 3 ग्रेड्स का स्टील यूज करना होता है, एक होता है Fe-250, दूसरा हमारे पास Fe-415 और तीसरा हमारे पास कौन सा है Fe, और वो हो जाएगा हमारे पास 500। इन तीन को स्टडी करते हैं। अब इन तीनों में से इन दो को Fe-415 और 500, इसको हम लोग डिफॉर्म्ड बार भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग HYSD बार भी बोलते हैं। कौन सा बार बोलते हैं, HYSD बार, हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म्ड बार जो होता है, या तो दूसरा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HYSD के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को स्टडी करते हैं, Fe-250, Fe-415, Fe-500, इसके लिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइल्ड स्टील ऑफ ग्रेड, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि माइल्ड स्टील, जो हम लोग माइल्ड स्टील पढ़ रहे हैं, अब माइल्ड स्टील हम दो जगह पर पढ़ते हैं, एक तो हम लोग RCC में पढ़ते हैं, और दूसरा जो हम लोग स्टील में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील जो है, कौन सा है जो हमारे पास स्ट्रक्चरल स्टील है वो कौन सा है, वो हम लोग माइल्ड स्टील को ही जनरली यूज़ करते हैं, ध्यान देना वहाँ पे माइल्ड स्टील को ही हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो किस कोड को स्टडी करना, हमने वहाँ पे IS-432 को हमने क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है ना, कौन सा है 432 को हमने स्टडी करना है, IS-432 को स्टडी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास IS-2062, ये है स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील फॉर जनरल पर्पज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IS-226, ये स्पेसिफिकेशन फॉर रोल्ड स्टील मेड फ्रॉम स्ट्रक्चरल स्टील, इसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IS-3025, ये हमारे पास आ गया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, ये टेस्ट ऑन वाटर सैंपल, किस पे, ये हमारे पास टेस्ट ऑन वाटर जो हमारे पास क्या है सैंपल्स, इसके लिए हमने, जैसे वाटर के लिए आप टेस्ट करते हैं, ट्रेविडी टेस्ट है या जो भी टेस्ट करते हैं आप, वो सारे टेस्ट हम लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं, IS-3025 के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, जैसे उसकी परमिसिबल लिमिट है, तो एज पर IS कोड क्या लिमिट्स हैं, ठीक है, कोई भी जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कोड है, इस पर ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है, ये IS-10500-2012,
इससे रिलेटेड हमारे गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि एज पर दिस कोड जो सल्फेट या क्लोराइड की परमिसिबल लिमिट्स क्या होती है। तो हमसे ये कोड ये भी पूछा जा सकता है कि इस कोड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना एक्चुअली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, जब इस ये भी इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं आपको इस पर बताऊँगा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें, आप डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो IS 10500-2012 ये हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर जैसे कि फ्लोराइड है आपके पास, कि भाई इसकी परमिसिबल लिमिट क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 ppm2 कितना होना चाहिए, 1 ppm2 कितना होना चाहिए, 1.5 ppm होना चाहिए। कि जैसे फ्लोराइड की जो क्या है मिनिमम लिमिट जो है वो 1 ppm है, कि जो फ्लोराइड है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 1 ppm से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको किसका पता करना है, हार्डनेस का पता करना है, कि हार्डनेस की इसमें क्या होती है, इसमें 200-600 होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास रिजेक्शन लिमिट, रिजेक्शन का मतलब है 600 ppm से ज़्यादा का वाटर है उसको हम लोग किसी भी वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और जो परमिसिबल लिमिट है वो हमारे पास कितनी होती है, 200 ppm होती है। वही अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास क्या ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी कितनी जो हार्डनेस होती है वो 75-115 ppm के बीच में होती है, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारे जो डाटा ये कहाँ से मिलते हैं हमारे को, ये मिलते हैं IS 10500-2012 से ये मिलते हैं। और 2012 क्या ये ईयर है, 2012 क्या ये पहली बार 2012 में, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आया होगा परंतु ये 2012 का अभी अभी हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है IS 1972-1993। पहले 1963 में था, उसके बाद इसको क्या किया, रिवाइज किया गया, तो ये कब हो गया 1993 में। एक्चुअली हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया ना वो आया था IS 1172-1963 है। सर इसका क्या यूज है, इसका मैं बताता हूँ आपको, कोड ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर वाटर सप्लाई ड्रेनेज एंड सैनिटेशन में है। आपको पता होगा जब आप लोग स्टडी करते हैं कि भाई जो हमारे पास क्या है एज पर कोड कितना वाटर, आपने एक डाटा पढ़ा होगा 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है ना, लीटर पर कैपिटा पर डे जो हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर कौन सा होता है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे जो है, या फिर आपने पढ़ा होगा कि हॉस्पिटल से जो 100 बेड से क्या है कम है या ज़्यादा है उसके लिए 340 लीटर पर बेड, या फिर 450 पर लीटर बेड होता है, या रेस्टोरेंट के लिए या स्कूल के लिए, जो स्कूल में क्या होते हैं जहाँ पे हॉस्टल्स नहीं होता है, होटल के लिए कितना होता है, रेस्टोरेंट के लिए कितना होता है, सिनेमा के लिए कितना होता है। ये सारे जो वाटर्स हमको पता चलते हैं वो किस कोड से पता चलते हैं, वो हमारे को इस कोड की हेल्प से पता कर पाते हैं हम लोग। और आपको ये जो कोड है ना इसके पहले दूसरे पेज आपको स्टडी भी करनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे वाटर दे रखा है कि किस पॉइंट के लिए, मतलब किस पर्पज़ के लिए कितना वाटर की जरूरत है, वहाँ से हमारे जनरली हम लोग देखते हैं जेई में एई में ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इस कोड को प्लीज़ जाकर के स्टडी कीजिए, 2-3 पेज को, जो शुरुआत के फर्स्ट 3-4-5 पेज, मतलब फर्स्ट 5 पेज स्टडी कर लीजिए, आपका सब कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता रिलेटेड टू जितना भी ये 135 है, 200 है, 270 है, ठीक है, 340 है, 450 है, हॉस्टल के लिए कितना है, ठीक है, हॉस्टल के जैसे 135 लीटर है, जैसे आप होटल देखेंगे पर बेड वो वहाँ पे पर पर्सन कितना होता है, 180 होता है, जैसे ऑफिस में देखेंगे जहाँ पे विद क्या होता है जो होता है बाथरूम होता है वहाँ पे फैक्ट्रीज में 45 लीटर पर डे पर कैपिटा होता है, और जहाँ पे बाथरूम्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कितना होता है 30 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है, जैसे स्कूल्स में डे स्कॉलर है अगर, या फिर हॉस्टल की फैसिलिटीज है। तो इस तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे को वहाँ पे दे रखी हैं, तो इससे रिलेटेड आप वहाँ पे स्टडी करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, ठीक है ना। आपने अगर इसमें से जो याद रखने, मैंने आपको बताया पहला जो IS 1786 ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है, IS 330-432 ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम अभी तक मैंने नहीं देखा है इस क्वेश्चन को, कि IS 302 है, बट अगर ये दो आ सकते हैं तो ये भी कभी एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए आगे के हमें थोड़ा सा सोच करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास IRC, ये किसके लिए, ये जो दोनों कोड हैं ये हमारे पास है हाईवे से रिलेटेड है, ठीक है जी, ये हम लोग हाईवे में इसके लिए स्टडी करते हैं। तो ये IS 58-2002 इसको किसके बारे में, द डिजाइन ऑफ द रिजिड पेमेंट फॉर हाईवे। अगर आपको रिजिड पेमेंट के बारे में स्टडी करना है तो आप इस कोड को जाकर के अच्छे से स्टडी करिए, और ये एग्जाम में हमारे में क्वेश्चन आया भी है कि रिजिड पेमेंट के लिए हम कौन से कोड को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन था IRC 37, IRC 58 है, बहुत सारे कोड हैं हमारे पास, तो उसमें जो करेक्ट आंसर था वो हमारे पास था IS 58 था। नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, आपको भी पता है जो हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं वहाँ पे दो तरीके के पेमेंट को हम लोग क्या करते हैं स्टडी करते हैं, एक होता है हमारे पास कौन सा रिजिड पेमेंट है, ठीक है जी, पेमेंट, और दूसरा हमारे पास कौन सा है फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल पेमेंट और ये जो हमारे पास कौन सा रिजिड पेमेंट है,
अब इस रिजिड के लिए कौन सा कोड होता है, IRC 58 होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कौन सा कोड होता है, IRC 37 है। अब ये क्या है, ये ईयर है जिसमें हमने क्या किया, इसको सबसे पहले 1970 में आया था, उसके बाद 1984 में फर्स्ट रिवीजन था, सेकंड रिवीजन इसका 2001 में हुआ, थर्ड रिवीजन इसका 2012 में हुआ, और फोर्थ, ये इसका फोर्थ एडिशन कहिए या फोर्थ रिवीजन कहिए, IRC 37 का है। तो ये डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। तो रोड्स के लिए हमारे पास दो ही हैं, जनरली हैं बहुत सारे, परंतु हमने मेनली इन दो को ही स्टडी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास IS 383 2016। ये स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स के बारे में इससे हमारे को पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये कोड फिर से इंपॉर्टेंट है, IS 2386 Part 1 1963। अब यहाँ पे जब आपको क्या करना है, कोर्स एग्रीगेट का पता करना है, यहाँ पे हमारे को पता करना है मेथड ऑफ द टेस्टिंग फॉर एग्रीगेट्स फॉर कंक्रीट पार्टिकल साइज एंड शेप। साइज एंड शेप के बारे में अगर आपको पता करना है, तो शेप में कौन सा है हमारे पास, जैसे कि फ्लैकी है, या फिर हमारे पास कौन सा है जैसे कि इलोंगेशन है, ठीक है, या इलोंगेशन है, या फिर हमारे को क्या पता करना है, एंगुलरिटी नंबर पता करना है। तो ये सारी वैल्यूज आपको अगर पता करना है कि फ्लैकी पार्टिकल्स होता है उसका मिनिमम साइज कितना होता है, कोई फ्लैकी पार्टिकल होता है तो वो मिनिमम 6.3 से कम नहीं होना चाहिए और 63 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। जनरली हम जो लोग हम लोग जो कंसिडर करते हैं वो 63 to 6.3 mm के पार्टिकल को ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। किसके लिए, फ्लैकीनेस इंडेक्स फाइंड करने के लिए। वही इलोंगेशन के लिए भी यहाँ पे मिनिमम साइज कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे मिनिमम कितना होता है, 6.3 mm होता है। क्यों है, अब आप कहेंगे कि सर हम 6.3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मिनिमम जो सबसे लोएस्ट सीव है, जो साइज का सीव है, वो कितना है हमारे पास, 6.3 का है। तो इसलिए थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। फ्लैकी के लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊँ, फ्लैकी पार्टिकल के लिए 63 50, ठीक है, 40, उसके बाद कौन सा होता है 31.5, उसके बाद कौन सा है 25, उसके बाद क्या है 20, उसके बाद कौन सा है हमारे पास 16, उसके बाद कितना है 12.5, उसके बाद कितना है 10 mm, और देन हमारे पास कौन सा होता है 6.3 mm होता है। इन सारी सीव का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसके लिए, फ्लैकी पार्टिकल्स के लिए। अगर इलोंगेशन के लिए करना है तो 40 50, 31.5 है, 25 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना जगह 20 है, 16 है, 12.5 है, देन हमारे पास कौन सा आएगा 10 mm है, ठीक है, 10 mm है, और उसके बाद कौन सा था हमारे पास 6.3 mm। बाय हेल्प ऑफ द थिकनेस गेज, बाय हेल्प ऑफ द जो लेंथ गेज की हेल्प से हम लोग फ्लैकी एंड इलोंगेशन पार्टिकल की हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। ये सारा हमने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छे से स्टडी कराया हुआ है। वहाँ पे हमारा एक वीडियो है हाईवे मटेरियल से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हमने एक एक चीज़ को बताया हुआ कि फ्लैकीनेस इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, इलोंगेशन इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर कंबाइंड टेस्ट करते तो पहले हम लोग कौन से टेस्ट को करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में वहाँ पर बता रखी हैं। जो हमने JEE का जो मॉड्यूल लॉन्च किया हुआ है उसमें हाईवे की जो वीडियोज़ हैं, हाईवे की वीडियोज़ में आपको एक वीडियो मिलेगी, ये जो है हमारे पास एग्रीगेट टेस्टिंग, तो वहां पे आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एंगुलरिटी नंबर कैसे फाइंड करते हैं हमारे पास, ठीक है ना, 67 माइनस 100 W अपॉन G अपॉन C है, सारी चीजें हमने बता रखी, इसका वैल्यू 0 टू 11 के बीच में लाई करता है। जितना चीजें मैंने बताया ना आपको अभी से रिलेटेड, यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है माय डियर। अगर आपको ये सारी चीजें याद है, अगर जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अगर आपको इतना भी याद हो जाएगा ना, तो भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते, क्यों भी आप पेपर में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें कहाँ दे रखी हैं, और ज़रूरी नहीं है कि देखिए हर चीज़ हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कुछ हमको अपनी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करना चाहिए। कभी कभी हमसे ये चीज़ें पूछी जाए, जब आप JEE बन जाएंगे, अब आपको पता ही नहीं है कुछ कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आप बिना इसके भी JEE बन गए, परंतु फिर भी तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ना कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना चाहिए, जो आगे चलकर आपको क्या ना हो, दिक्कत ना क्रिएट करे, तो इसलिए इन सब चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास IS 3 2386 Part 2 1963, ठीक है, IS 2386 Part 2 जो है 1963 1963 में, मतलब ये आया था कोड हमारे पास, एग्जाम में सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा। अच्छा, इसका Part 1 Part 2 आपसे पूछा जाएगा। तो इसका क्या है, मेथड्स ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कंक्रीट एस्टिमेशन फॉर डिटेरियस मटेरियल एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास IS 3 2386 Part 3 में हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मेथड्स ऑफ टेस्ट एग्रीगेट फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी वॉइड्स एब्जॉर्प्शन एंड बल्किंग होता है। जब आपको एग्रीगेट्स का क्या पता करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करने के लिए हमको कौन कौन सा, अगर देखिए वहाँ पे देखना पड़ता है कि जो साइज़ है वो क्या है, लार्जर देन 10 mm है, इक्वल टू 10 mm है, और
और हमारे पास कौन सा है, लेस देन 10 mm है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कहाँ पता पड़ता है, तो आपने जनरली सुना होगा कि जब भी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग बाय हेल्प ऑफ द पिकनोमीटर करते हैं, ठीक है ना, बाय हेल्प ऑफ द पिकनोमीटर से क्या कर लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर लेते हैं। बट माई डियर, पिकनोमीटर का यूज़ कब करना है, जैसे यहाँ पे तो तीन हो गए, साइज जो है एग्रीगेट का वो मोर देन 10 mm, 240 mm है, इक्वल टू 10 mm और लेस देन 10 mm है, ये आपको ध्यान देना है। जब आपका साइज पार्टिकल का लेस देन 10 mm है, अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है, सिंपल सा ये पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट्स, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि वहाँ पर पिकनोमीटर का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दूसरा नहीं दे रखा होगा। अगर वहाँ पर क्वेश्चन में आपको स्पेशली साइज मेंशन करके दिया है कि लेस देन 10 mm के लिए, तो ऑब्वियसली जिस इक्विपमेंट की हेल्प से हम लोग मोर देन 10 और 10 इक्वल टू 10 का भी कर रखेंगे, तो वो भी ऑप्शन में हमारे गिवन कर रखा होगा। तो वहां पे होता है डेंसिटी बात मैथ, डेंसिटी बास्केट मेथड होता है, सॉरी डेंसिटी बास्केट मेथड की हेल्प से हम लोग करते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक बास्केट होता है, उसमें एग्रीगेट्स को भरते हैं, उसको वाटर में फिल करते हैं, मतलब वाटर में क्या करते हैं, रखते हैं 24 आवर्स के लिए, फिर उसको वहाँ से निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अच्छे से साफ करके फिर वाटर को उसका वेट करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करते हैं, या फिर हम लोग पिकनोमीटर का हेल्प लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास IS 2386 Part 4, सर सॉरी फिफ्थ है ये, फोर्थ नहीं, फोर्थ मैंने नहीं लिखा है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये मेथड ऑफ द एग्रीगेट्स फॉर साउंडनेस से रिलेटेड है। तो वेदर अफेक्टिंग हम लोग क्या करते हैं एग्रीगेट्स का देखते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दो सोल्यूशन होते हैं, एक कौन सा होता है हमारे पास Na2SO4 होता है, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास मैग्नीशियम SO4। सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट के बेसिस पे जब हम लोग क्या करते हैं 10 राउंड्स करते हैं, तो वहाँ पे जो कैन नॉट ग्रेटर देन, एक होता है हमारे पास कैन नॉट 12%, कैन नॉट 18%, जो क्या है वेट में लॉस नहीं होना चाहिए, कितने साइकिल के बाद, आफ्टर 10 साइकिल्स के बाद, ठीक है ना जी, आफ्टर 10 साइकिल्स के बाद में जो लॉसेज है वो कैन नॉट मोर देन 12%, कैन नॉट ग्रेटर देन 18% से ज़्यादा होना चाहिए, जब हम लोग Na2SO4 को या फिर MgSO4 को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज ए सोल्यूशन जब हम उसमें देखते हैं। क्योंकि जब जब हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीगेट्स होता है जब वो रेन के कॉन्टैक्ट में आता है, आपको पता है रेन में एसिड रेन भी होता है, तो उससे क्या होता है जो मॉइस्चर जो उसके कारण क्या होता है जो एग्रीगेट्स होता है वो अपने वेट को क्या करता है, लूज़ करता है। तो हमने ऐसे एग्रीगेट्स को यूज़ करना है कि भाई कैन नॉट ग्रेटर देन 12% होना चाहिए और कैन नॉट ग्रेटर देन 18% होना चाहिए। इसलिए ये सारी स्टडी हम लोगों को कहाँ पे करना पड़ता है, ये हमारे पास है IS 2386 Part 5 1963 में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। तो इसलिए थोड़े से छोटे छोटे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है IS 10077192, ये कॉमन बर्नट क्ले फॉर बिल्डिंग ब्रिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारे पास IS 2720 Part 1 1983, देखिए इसके बहुत सारे पार्ट है, Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5, इस तरीके से Part 30 Part 31 30 35, इस तरीके बहुत सारे पार्ट्स हैं, और यही हमारे को सारा बस आपने इतना से याद रखना है फॉर सॉइल के लिए। जो हमारे पास क्या सॉइल मैकेनिक्स में जितने भी हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक लिमिट है, लिक्विड लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है, या ड्राई डेंसिटी है, या फिर आपके पास परमेबिलिटी है, कंपैक्शन है, शियर स्ट्रेंथ है, जो भी आप टेस्ट करेंगे उन टेस्ट से रिलेटेड जो भी आपको स्टडी करनी है वो आप किस कोड में स्टडी करेंगे, IS 2720 में स्टडी करेंगे। बस बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आपको प्रिपरेशन फॉर ड्राई सैंपल पढ़ना है तो उसके लिए Part 1 को स्टडी करना पड़ेगा, लिक्विड लिमिट के लिए अलग पार्ट है, प्लास्टिक लिमिट के लिए अलग पार्ट है, श्रिंकेज लिमिट के लिए अलग पार्ट है, इस तरह के डेंसिटी के लिए अलग पार्ट है, कोई भी जो भी करने हैं उसके लिए सबके लिए पार्ट अलग अलग गिवन कर रखे हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 2720 अगर कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है हमारे पास IS 2695 के लिए, जैसे हमारे पास जो सीमेंट है उसके कितने ग्रेड हैं, ध्यान देना सीमेंट के कितने ग्रेड हैं, हमारे पास 3 ग्रेड्स होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड होता है। कॉमनली यूज जो होता है वो कौन सा होता है, 43 होता है, 53 जो यूज होता है इसका क्या करता है, बहुत सारे इसमें क्या होता है, हम लोग कुछ स्टील की बचत कर पाते हैं, इसलिए 53 थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, ठीक है ना, और हैवी स्टोरी बिल्डिंग के लिए हम लोग जहाँ पर स्टील बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने में उसको हम लोग 43 होता है, और जो लो बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर लो वन स्टोरी बिल्डिंग होता है वहां पे हम लोग जनरली किसका यूज कर लेते हैं, 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट का यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना M20,
M20 पढ़ते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि ये कंक्रीट का एक ग्रेड है, M किसको बताता है, मिक्स को, 20 किसको बताता है, आफ्टर 20 डेज के बाद जो आपको करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है वो 20 कितना होता है, न्यूटन पर mm² होता है। उसी तरीका से जब आप सीमेंट का भी टेस्ट करते हैं तो आफ्टर 20 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ मिलती है आपको कितनी होती है, 33 न्यूटन पर mm² या 43 न्यूटन पर mm² या फिर 53 न्यूटन पर mm² के तरीके से होती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको स्टडी करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास IS 1489। अगर आप IS 1489 को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे किसके बारे में दिया है, स्पेसिफिकेशन फॉर PPC, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। PPC के बारे में हमारे को यहाँ पे स्टडी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास IS 6909, ये हमारे पास है SSC। SSC के हम लोग क्या करना है, इसमें स्टडी करना है, ये हमारे पास सुपर सल्फेटेड सीमेंट के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास IS 8041, ये हमारे पास है स्पेसिफिकेशन फॉर RHPC, रैपिड हार्डनिंग PC, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं RHPC, इसको हम लोग क्या करते हैं, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये IS 8043 1993 स्पेसिफिकेशन फॉर हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसको स्टडी करना है। तो इसलिए थोड़ा सा ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकेशन फॉर हाइड्रोफोबिक सीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास IS 8081989, IS कोड फॉर रोल्ड स्टील सेक्शन है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे कि चैनल है, इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे ना हॉट लिख लेना, हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन कॉमा चैनल सेक्शन एंगल सेक्शन, इस सब के लिए जो हम लोगों ने कोड स्टडी करना है वो 8081989 को यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक और हमने ऐड कर दिया है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डेंसिटी फॉर वेरियस मटेरियल्स जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारे को थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द वेरियस मटेरियल्स, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल मटेरियल है ये हमारे पास है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है, ध्यान देना प्लीज़ इसको, केजी पर मीटर क्यूब में हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास सीमेंट, काफ़ी बार पता नहीं कितनी बार SSC में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या SSC में, यस बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, कभी कभी तो लोगों को डाटा याद भी नहीं रहता है, इसलिए JEE में क्या होता है डाटा बेस्ड चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं कि सीमेंट का डेंसिटी क्या, सर अब हम यही चीज़ें याद करेंगे, हाँ जी याद करना पड़ेगा JEE बनने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। वन, अब जब सीमेंट आप पढ़ेंगे तो सीमेंट में आप बहुत तरह के सीमेंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट्स पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ सीमेंट्स पढ़ेंगे, परंतु वहाँ पर आपको जैसे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि बहुत लोग नहीं बता पा रहे, नहीं बताते हैं कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा। अब एग्जाम में जब ये छोटी सी चीज आती है तो ये बड़ा रूप धारण कर लेती है और बच्चों को दिक्कत में डाल देती है, इसलिए प्लीज ये सारा डाटा आपको याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास लाइम के केस में कितना है, 4640 है, लाइम मोटर के केस में कितना है, 1760 है, PPC ये आपने ध्यान देना ये कितना है, 2400। PPC PCC का मतलब क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है इसमें विदाउट रिइंफोर्समेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं। और जब आप कोड में भी पढ़ेंगे जो हमारे पास कोड है IS, ठीक है ना, जो हमारे पास कोड है IS 456 2000 में ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है कि जो ये जो हमारे पास PCC के लिए कितना वेट होता है, PCC के लिए होता है 24 kN/m³ होता है। और वही जब इसको देखेंगे RCC के केस में तो ये कितना होता है, 25 kN/m³ होता है, ये हम लोग जनरली कंसीडर भी करते हैं। और RCC के जब कोडल प्रोविजंस को स्टडी कराया जाएगा और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से कोडल प्रोविजन को स्टडी करना है तो जो हमारा मॉड्यूल लॉन्च किया आप उसको क्या करिए, ज्वाइन कीजिए, अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट RCC 2500, ठीक है, ये किस में, kg/m³ में। नेक्स्ट है स्टील, इसका कितना है हमारे पास, 7850 है। ये एग्ज़ाम में जो हमसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं वो दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार एग्जाम में कि स्ट्रक्चरल स्टील के लिए स्ट्रक्चर स्टील का कितना वैल्यू, सॉरी डेंसिटी कितना होता है जो हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं, या फिर सीमेंट का कितना होता है। और सीमेंट से रिलेटेड हम लोग और भी डाटा वहाँ पर स्टडी करेंगे कि जो वन बैग होता है सीमेंट का उसका वेट कितना होता है हमारे पास जी कितने हैं, परंतु इनका आपको डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो स्टील के केस में कितना होता है, 7850 kg/m³ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा कौन सा स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील कौन सा, माइल्ड स्टील, ध्यान देना ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आप स्ट्रक्चरल स्टील यूज करते हैं वो कौन सा स्टील यूज करते हैं, ये हमारे पास है स्ट्रक्चरल स्टील,
तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग ऐसे ही स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना, हंसते खेलते हुए। नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम, आपको भी पता है जो डेंसिटी होती है एल्यूमिनियम की वो अप्रॉक्सीमेट किसके होती है, हमारे पास अप्रॉक्सीमेट किसके होती है, 1/3 ऑफ किसका होता है, स्टील के इक्वल होता है, ठीक है ना। डेंसिटी वगैरह देखेंगे 27 और उसका कितना है, अगर आपको 7850 को डिवाइड करके देखिए 3 से, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, ए और ये 3 होता है, इसलिए हम लोग ने इसको अप्रॉक्सीमेट लिखा है, ठीक है ना, 1850 इस तरीके का। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट में चला जाता है 1/3 ऑफ द स्टील, जबकि ई एस जो है हमारे पास ई एस, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ए जो ई ए एल है एल्यूमिनियम, इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी किसके इक्वल होता है, 1/3 के होता है, क्योंकि आप सबको पता है जो ई एस होता है हमारे पास, व्हाट इज़ द ई एस, ई एस आपको याद होना चाहिए, ई एस मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील किसके इक्वल होता है, 2 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के इक्वल होता है डाटा। और ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये नॉट डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, ये एफ ई 250, एफ ई 415, ठीक है, एफ ई 500, इन सब के केस में क्या होती है, ये सेम होती है वैल्यू। और जबकि आप एल्यूमिनियम के केस में देखेंगे तो वहाँ पे ये वैल्यू कितनी मिलती है, अप्रॉक्सीमेट 0.70 × 10^5 और क्या होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट जो होता है ना, ये एल्यूमिनियम जो होता है अप्रॉक्सीमेट 1/3 ऑफ ई स्टील के इक्वल होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा छोटे छोटे डाटा हैं इनको हमको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब कोडल प्रोविजन, मेरे को चार वीडियोज़ हम लोग चार वीडियोस इतना अच्छे से मतलब बना रहे हैं कि जिसमें एक तो ये आ गया, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा वेरियस इक्विपमेंट्स यूज इन सिविल इंजीनियरिंग, जैसे लिक्विड लिमिट के लिए कौन सा करते हैं, प्लास्टिक लिमिट के लिए कौन सा करते हैं, या फिर जैसे हमारे पास साउंडनेस टेस्ट करना है, कोई भी टेस्ट रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं हम लोग सारा एक वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा, वहाँ पर भी आप इंजॉय करने की कोशिश करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम के केस में कितना था, अच्छा ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये बस ऐसे लिख दिया हमने, इसलिए इसको इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे को ये फिर इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ब्रिक का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1 ब्रिक होता है उसका वेट कितना होता है, तो ध्यान देना उसका वेट जो होता है वो हमारे पास 3:2 वेट ऑफ 1 ब्रिक जो होता है, ठीक है ना, 1 ब्रिक जो होता है वो जनरली कितना होता है, वो 3:2, ठीक है ना, 3:2 कितना होता है हमारे पास, 3:2 3.5 kg के अप्रॉक्सीमेट होता है, परंतु उसके जो डेंसिटी वो कितना है, 1500 से 1800 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास डेंसिटी से रिलेटेड थे, उससे पहले हमने किसको स्टडी किया था, कोड्स को स्टडी किया था, अब हम आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। अब आप कहेंगे सर कोड पढ़ाए तो पढ़ाए क्यों, तो कोड पढ़ाने के पीछे ये मकसद था कि हमारे पास जो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इन क्वेश्चनों को हमने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है इजी वे में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं हम लोग, क्वेश्चन 1 क्या कहता है, विच कोड इज यूज कंसिडर द विंड लोड। देखिए मैंने आपको बोला था कि स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है विंड लोड में और स्नो लोड में, ठीक है ना, तो विंड और स्नो लोड में, तो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, हम लोग एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे, एक्चुअली एक क्वेश्चन, ये चार क्वेश्चन है, कैसे चार क्वेश्चन है देखते हैं, कैसे चार क्वेश्चन। IS-875 Part 1 में हम लोग किसकी बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं डेड लोड की, किसकी बात करते हैं, इसमें हम लोग डेड लोड की बात करते हैं, ये है IS-875 Part 2, इसमें हम लोग बात करते हैं लाइव लोड, लाइव लोड कहिए, या फिर दूसरा हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं, इम्पोज्ड, इम्पोज्ड लोड के नाम से जानते हैं। तीसरा जो हमारे पास है ये किसको बताता है, ये हमारे पास बताता है विंड लोड को, ठीक है जी, ये किसको बताता है, विंड लोड को बताता है। और जो लास्ट वाला है ना ये किसको बताता है, ये बताता है स्नो लोड को बताता है, ठीक है, ये स्नो लोड को बताता है। तो इसलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन में हमारे को क्या देखा है, विंड लोड के बारे में पूछा था, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, अब ये किसी में पूछा सकता है, अगर क्वेश्चन आया कि विंड की जगह पर स्नो आ जाता कि स्नो लोड किस में दे रखा है, तो आप बोलते हैं कि उसमें फिर उस केस में ऑप्शन कौन सा हो जाता है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द IS कोड फॉर डिजाइन मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट, डिजाइन मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये कोड है हमारे पास, जैसे अगर हम लोग ए कोड की बात करते हैं, फर्स्ट कोड कौन सा, IS-456-2000, तो ये किस में होता है, हम लोग RCC के केस में जनरली इस कोड RCC के केस में यूज़ करते हैं, और कौन सा होता है, ये LSM में डिजाइन, LSM डिजाइन को बताता है। दूसरा हमारे पास है बी ऑप्शन IS-800-2007, ये किसको बताता है, ये स्टील स्ट्रक्चर को बताता है, यस और नो, स्टील स्ट्रक्चर को बताता है ये। नेक्स्ट हमारे पास IS-875, यहाँ पे क्या होता है, लोड्स,
जो भी हमने ऊपर पढ़ रहे हैं, ये जो हमने स्टडी किया है IS-875 पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट, इसके टोटल कितने हैं? फाइव पार्ट्स हैं। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि IS-5 के जो IS-875 उसके कितने पार्ट्स हैं, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, तो आपने ध्यान रखना है इसके कितने फाइव पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS-10262 2009, तो ये कौन सा होता है? ये हमारे पास होता है कॉन्क्रीट, कंक्रीट मिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं, कंक्रीट मिक्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या कहता है देखिए, स्टैंडर्ड लोड्स आर गिवन इन IS-875, ये कोई कोड नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास IS-675, ये कोई कोड नहीं है। ये हमारे पास 375, ये भी कोई कोड। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है ना, वो है हमारे पास डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये हमारे पास है IS-875। डी ऑप्शन क्या है हमारे पास बोलिए, ये IS-875, इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड कोड को स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन SSJEE 2010 में आया हुआ है। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को ना, तो आपको लगेगा अच्छा से JEE 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको क्या रखना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू IS-800, IS-800 कौन सा है? IS-800 2007, ठीक है नहीं, 800 2007, द डेंसिटी केजी पर मीटर के ऊपर द स्ट्रक्चर स्टील शैल बी टेकन एज 2400, किसका है लिखते चलिए साथ साथ में, ये होता है हमारे पास PCC का। देखिए इस तरीके से आप स्टडी करेंगे ना, हर ऑप्शंस को ध्यान से देख देख करके समझेंगे, तो आपके बहुत सारे डाटा तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो टेक्निकल है ना इसमें चीज़ें फिक्स हैं, तो कहाँ से चेंज करेगा कोई भी। ये हमारे पास किसके लिए होता है, RCC के लिए होता है। ये हमारे पास किसके लिए होता है, ये स्टील के केस में हम लोग यूज़ करते हैं, और ऐसा हमने कोई डाटा स्टडी अभी तक नहीं किया है, इसलिए ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द रिलीवेंट स्टैंडर्ड फॉर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील प्लेन बार। अब आपको पता है जो प्लेन बार होते हैं वो किसके होते हैं, माइल्ड स्टील के होते हैं। माइल्ड स्टील का मतलब क्या होता है, FE कौन सा है, 250, जो हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या है, ठीक है। तो इसके केस में हम लोग किस कोड को स्टडी करते हैं, IS-432-1996 को स्टडी करते हैं। ध्यान देना, जो 1786 है इसको किसके केस में करते हैं, ये HSD के केस में यूज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास HSD के केस में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, HSD के केस में यूज करते हैं। 226 ये होता है स्पेसिफिकेशंस फॉर जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है उसके बारे में हम लोग पता करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, IS कोड यूज फॉर हॉट रोल्ड स्टील बीम चैनल एंड एंगल सेक्शन के लिए कौन सा यूज किया। तो देखिए जो ये हमारे पास है ना IS-800 का जो यूज है, ये तो हम लोग किस में करते हैं, स्टील डिजाइन में करते हैं, ठीक है ना। स्टील डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, स्टील डिजाइन में स्टडी करते हैं। और एक दूसरा एक आप इसको भी देख रहे हैं, ये कौन सा होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड लोड में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। IS-808 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो IS-808 में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये। अब जो हमारे पास कौन सा है, इसमें हमारे पास कौन सा आएगा, रोल्ड स्टील ट्यूब। अच्छा जो IS-806 है इसमें क्या होते हैं हमारे पास, स्टील ट्यूब्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टील ट्यूब्स के लिए हम लोग IS-806 का यूज़ करते हैं। इसके ये आंसर नहीं है, ध्यान देना, आंसर इसका कौन सा है, सी ऑप्शन है, IS-808। ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको आपने क्या करना, अच्छे से स्टडी करना प्लीज़। तो IS-806 स्टील ट्यूब्स के लिए स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टील ट्यूब्स में हम लोग IS-806 को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चारों कोड के बारे में पता चल गया। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि 806 का क्यों यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिकेशंस फॉर स्टक स्टील, जो हमारे पास क्या है, स्टील ट्यूब्स इन जनरल बिल्डिंग्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं, स्टील ट्यूब्स इन जनरल बिल्डिंग्स, इन जनरल जनरल बिल्डिंग जनरल बिल्डिंग्स में जो हम लोग जनरली इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन सिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है हमारे पास, IS-456-2000 रिकमेंडेड। देखिए यहाँ पे क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड, और ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दीज है। तो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए हमारे पास दो कोड हैं RCC के, कौन कौन से कोड हैं RCC के, हमारे पास दो कोड हैं जो हम लोग जनरली स्टडी करते हैं, ठीक है। एक तो है हमारे पास IS-456-1978 है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, IS-456, और कौन सा हमारे पास 2000 है। मैंने आपको पीछे भी बताया था, इसी वाला ऑलरेडी फॉर्मूला भी लिया था,
तो वहाँ से आपको ऑलरेडी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। IS 456 1978 में हम लोग किसको स्टडी करते हैं? IS 456 1978 में हम लोग पढ़ते हैं WSM मेथड। व्हाट इज़ द WSM? वर्किंग स्ट्रेस मेथड को स्टडी करते हैं। और इसमें हम लोग किसको स्टडी करते हैं? इसमें हम लोग LSM को स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये लिमिट स्टेट मेथड नहीं है, इसको हम लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो इसमें हमारे वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक सीमेंट्स रिलेटेड टू विद IS कोड होता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? डायरेक्ट हमने अपनी टेबल से अगर देखेंगे तो IS 8043 1991 है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर और कोड किस किस के हैं वो भी हमको बताओ, क्योंकि हमने तो सारा कुछ जानना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास किसके लिए हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए हो जाएगा। ये जो हमारे पास है IS 8041 1993 का जो हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ये रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस कोड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग इस कोड को देखते हैं IS 6909 1990 कोड का अगर हम लोग यूज़ करते हैं 6909 1990 को, ये सुपर सल्फेटेड सीमेंट होता है, ठीक है ना। ये सुपर सल्फेटेड और सीमेंट को हम लोग क्या करते हैं? इसमें स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है ये जो है IS 4321989 जो है ये हाई एलुमिना सीमेंट है, ठीक है। कौन सा ये है हमारे पास है? हाई, अरे थोड़ा सा हम ना इसको इधर लिख देते हैं, जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास है IS 6445, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 6452 1989। ये किस में है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं हाई एलुमिना, एलुमिना सीमेंट को हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस कोड। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए, जब ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे क्या रखना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच IS कोड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग एसिड रेजिस्टेंस, जो ब्रिक होती है उसके बारे में कौन से कोड से हमको पता चलता है? तो जो एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक जो है वो हमारे को पता चलता है यहाँ पे, जो IS ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बी IS 4860, इससे हमारे को एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक का पता चलता है, ठीक है जी। एसिड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट ब्रिक, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं, रेजिस्टेंस ब्रिक के बारे में पता चलता है। और जो हमारे पास ये है जो IS 4832 है, ये केमिकल रेजिस्टेंस मोर्टार के बारे में पता चलता है यहाँ से। किसके बारे में पता चलता है? केमिकल, ठीक है ना, केमिकली और रेजिस्टेंस मोर्टार के बारे में पता चलता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और जो 5318 है, 5318 है, ये हमारे को बताता है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर लेइंग ऑफ फ्लेक्सिबल PVC, ठीक है ना। किसके बारे में बताता है? ये होता है फ्लेक्सिबल PVC के बारे में बताता है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल PVC के बारे में बताता है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर लेइंग, LAYING, ठीक है ना, LAY, लेइंग ऑफ फ्लेक्सिबल PVC, पॉलीवाइन क्लोराइड के बेस में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेरी सिंपल। अब देखिए, ये हमारे पास कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये भी हमारे एग्जाम में दोनों बार दो क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको हमें ध्यान देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रूल्स हैज ए प्रोविजन फॉर नो राइट टू अपील? नो राइट टू अपील में हमारे पास जो आया था एक्ट या रूल आया था वो कब आया था? 1986 में आया था। अच्छा, ये भी सही है, द हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स कब आया था? 1989 में आया था।
और मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पैक्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल्स, ये किस में आया था, 1989 में। अभी आपने देखा था ना कुछ समय पहले जो विशाखापट्टनम में जो गैस थी जो लीक हो गई थी, तो वहाँ से भी रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैन्युफैक्चर है, स्टोरेज है, इम्पैक्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल्स रूल्स कब आया था, ये 1989 में आया था। फिर इसको शायद कुछ उस टाइम पर चेंज करने के लिए कुछ ऐसा भी था कि इसको कुछ देखें समझें कि किस तरीके का है कि जो गैस लीक हो जाती है इतने सारे लोग वहाँ पे क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में जो अभी हुआ था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको भी ध्यान देना हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास रिलेटेड टू ईयर थे, परंतु थे तो इम्पोर्टेंट ही, तो ये आया था हमारे पास 1974 में आया था। तो मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो में थोड़ा सा इन्जॉय किया होगा, थोड़ी सी चीज़ों को जाना होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे वो है डिफरेंट या वेरियस इक्विपमेंट्स यूज इन सिविल इंजीनियरिंग, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे रिलेटेड थोड़े से कम क्वेश्चन थे, बट उससे रिलेटेड तो आपको जेई में, मैं बोलता हूँ कि एक पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। आप ए का एग्जाम दे दीजिए या कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा कि बाय हेल्प ऑफ दिस इक्विपमेंट हम लोग किस चीज़ को फाइंड करते हैं। तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि साउंडनेस के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, या फिर स्पेस ग्रेविटी निकालने के लिए कौन सा करते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए कौन सा करते हैं, या फिर हम लोग क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो वो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जो भी अपने डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग उस पर और वर्क करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।